दोस्तों आज आपका YouTube इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं डीमैट अकाउंट के विषय में। शेयर खरीदने के लिए जरूरी है डीमैट खाता, जानिए कितनी तरह के होते हैं। डीमैट अकाउंट शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए तीन तरह के डीमैट अकाउंट होते हैं। निवेशकों की प्रोफाइल के हिसाब से इन्हें तैयार किया जाता है डीमैट अकाउंट शेयर ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट भी होना जरूरी है। निवेश के लिए डीमैट खाता सबसे आम और अनिवार्य बात है, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है जहां पैसे सेफ रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट में भी आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजारों में निवेश के लिए कुल कितने तरह के डीमैट अकाउंट होते हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए तीन तरह के डीमैट अकाउंट होते हैं। निवेशकों की प्रोफाइल के हिसाब से इन्हें तैयार किया जाता है। इसकी पूरी देख आपकी ब्रेकिंग फर्म करती है। शेयर बाजार में एंट्री करने वाले निवेशकों के लिए रेगुलर डीमैट अकाउंट किया जाता है। भारतीय निवेशकों और ट्रेडर्स देश में ही रहते हैं और यहीं इसके शेयर बाजार में निवेश करते हैं। आप ये रेगुलर डीमैट खाता किसी भी डिपॉजिटरी एसटीसीएल पर रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। खाते में इलेक्ट्रॉनिकली शेयरों में निवेश में ट्रेड किया जाता है। ट्राइवल डीमैट अकाउंट नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए होता है। इसके जरिए NRIS शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ट्रेडर्स और निवेशक इस अकाउंट के जरिए निवेश में फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए निवेशकों के पास NRE बैंक खाता भी होना चाहिए। इस खाते में ज्वाइंट होल्डर भी शामिल कर सकते हैं। इन्हें भारतीय नागरिक होना चाहिए, हालांकि वे कहां रहे हैं इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इस डीमैट खाते में नॉमिनेशन सुविधा होती है। रिट्रायल डीमैट खाता खुलवाने के लिए NRIS इस पासपोर्ट की एक कॉपी, पैन कार्ड, वीज़ा, विदेश में अपना पासपोर्ट साइज के फ़ोटो और साथ ही FEMA डिक्लेरेशंस, NRI NRO खाते का कैसेट चेक देना होता है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा YouTube चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें।